लखपति क्या करोड़पति बनने वाला हूँ, कुछ ही दिनों में 50 लाख तो मिल ही गए मुझे इनके अकॉर्डिंग। 25 ये बता रही हूँ, 25 और एक दे रहा था अगर मैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है कार में, क्योंकि यार दोस्तों जन्माष्टमी रात में हम बहुत देर से सोए हैं, करीब 2:30 बज गया था सोने में, तो सुबह देर हो गई है सो के उठने में। और फिर पूजा वगैरह करना था, नाश्ता वगैरह बनाना था, टाइसन को भी कराना था, उन सब चीज़ों में काफ़ी लेट हो गया। तो मैंने सोचा चलो ऑफिस निकलते निकलते इस ब्लॉग को स्टार्ट करूँगा गाड़ी में फुर्सत में बैठ के। तो और बताओ दोस्तों कैसे हो आप सब, कैसी रही आप सबकी जन्माष्टमी? और क्योंकि आज शनिवार है, बहुत से ऑफिस की छुट्टी है, बहुत से लोग अपना वीकेंड भी एंजॉय करने जा रहे होंगे इधर उधर। बताओ कैसा क्या चल रहा है आपका, क्या सीन है, मतलब आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है? आप लोग वीकेंड एंजॉय कर रहे हो कि नहीं, कि आपका भी ऑफिस है हमारी तरीके, क्योंकि हमारा तो ऑफिस खुला हुआ है, हमें तो जाना पड़ रहा है। तो बताओ दोस्तों कैसा चल रहा है आप सब क्या? और यार फिलहाल क्योंकि कल रात में यार जब जन्म हो रहा था उसी समय बहुत बढ़िया वाली बारिश भी हुई थी, तो काफ़ी अच्छा मौसम, थोड़ा सा डाउन हुआ ज़रूर है बट गर्मी नहीं गई है, मतलब थोड़ा सा धूप नहीं है आज देखा जाए तो, बदली सी ही है बट यार गर्म जो गर्मी थी ना वो नहीं कम हुई है, गर्मी वैसी की वैसी ही बरकरार है। तो चलते हैं दोस्तों ऑफिस और देखते हैं, करते हैं आज के कामों की शुरुआत। दोस्तों फिलहाल निकल चुके हैं हम ऑफिस से घर के लिए, और यार अभी अभी जो है मतलब जितेंद्र भैया का फ़ोन आया था कि वो भाभी की तबीयत नहीं सही है तो हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, शायद वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो देखते हैं जाके क्या मतलब कैसी उनकी तबीयत है। तो चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं घर, और यार क्योंकि भाभी की तबीयत सही नहीं थी तो उनके बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया था, तो इसलिए भैया परेशान हो रहे थे, इन्होंने हमको बुलाया तो हम गए थे। फिर डॉक्टर ने खैर दवा वा दे दिया था, अभी हम उनको घर ला के छोड़ दिए हैं। और यार जैसे ही दोस्तों घर आए हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो पागल मेरा कुत्ता हो गया है। अभी ये देखिए ये ऐसे मेरे को ऐसे मेरे से लड़ रहा था, कुछ कहने को नहीं, अब इसको प्यास लगाई है। और दिन भर जब तक रहो ना तो ऐसे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, बिल्कुल ये परेशान सा बैठा रहता है। और जैसे याद हो तो उसकी खुशी का ठिकाना दोगुना हो जाता है, अब ये खाएगा भी पिएगा भी सब कुछ करेगा, उसको लगा कि प्यार। अब ये देखो आ गया, क्यों भाई कहाँ गए थे, हैं तुम्हें नहीं ले गए थे क्या? तो बहुत ज़्यादा ये परेशान हो जाता है, इसको अकेले का भी रहा है नहीं और अचानक से अकेला हो गया जैसे काफ़ी दिक्कत होती है। तो चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा इसका भी दुलार प्यार कर ले और चेंज वेंज भी कर ले, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मिलते हैं भी थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों अभी चलते हैं खाना पैक करवाने के लिए, क्योंकि यार बहुत लेट हो जा रहा है ऑफिस से और आज भी काफ़ी देर से आए हैं, फिर मंदिर भी जाना था, घर पे पूजा वगैरह भी करी है, तो खाने का यार अभी मन नहीं हो रहा है। तो चलते हैं दोस्तों कुछ खाना वाना पैक करवा के लेके आएंगे बढ़िया सा, और आज मेरा मन है बड़ा पनीर बटर मसाला खाने का, तो चलते हैं पनीर बटर मसाला और बटर नान ये खाने का मन कर रहा है, तो चलते हैं पैक करवा के। दोस्तों फिलहाल आ गए हैं अपने दोस्त के रेस्टोरेंट पे जिसका नाम है रॉयल गैलेक्सी होटल, और ये आपको यहाँ पे उन्नाव में किधर खेला भाई पास पे है। कभी आपको कुछ खाना पीना हो बहुत बढ़िया सा अच्छा सा तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा, और इसने अपना एम्बियंस काफ़ी अच्छे से बना दिया है, एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत अच्छे से इसने एम्बियंस क्रिएट कर लिया अपना, देख सकते हैं कितना अच्छा इसने पूरा अपना जो है होटल को बहुत बढ़िया से डेकोरेट कर लिया है। उसने काफ़ी अच्छे से अपना पूरा ये होटल को डेकोरेट कर लिया, जब भी कभी आपको बढ़िया अच्छा और स्वादिष्ट भोजन करने का मन हो इसके होटल या रेस्टोरेंट में कभी ज़रूर आइएगा, ट्राई करिएगा। और हमने तो ऑर्डर कर दिया अपना फेवरेट पनीर बटर मसाला, और साथ में आ रही हैं बढ़िया सी बटर नान, तो बस फटाफट पैक कराते हैं चलते हैं घर पे और खाते हैं, क्योंकि टाइसन भी बहुत ज़्यादा भूखा है, सुबह उसको मैंने सिर्फ ब्रेडी वगैरह खिलाई थी तो भी काफ़ी ज़्यादा भूखा है,
चलते हैं घर पे, दोस्तों भी खिलाते हैं। तो दोस्तों आ गए हैं घर और हमारा खाना आ गया मस्त मस्त। आज हमारे खाने में है पनीर बटर मसाला और बटर नान नहीं मिल पाई थी तो मैंने बटर नान वैसी वाली नहीं मिल पाई थी तो मैंने नान में ही बटर लगवा लिया, शॉर्टकट निकाल लिया है। और देख सकते हैं दोस्तों पनीर बटर मसाला और नान और बढ़िया सलाद है, मस्त खाना खाते हैं। और ये खा के तो आज टाइसन भी बड़ा ज़्यादा खुश हो जाएगा। खाना खाते हैं और खाना खाने का सिर्फ ही आपसे मिलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है आज आपके, क्योंकि कल है संडे और मेरी ये छुट्टी, तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे अभी आपके साथ बैठ के। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया है और अब मस्त तैयारी है सोने की। बट एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज मुझे ना एक फिर KBC फ्रॉड वाला मैसेज आया है, और वो क्या आया है वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। दोस्तों आज फिर मुझे 25 लाख की लॉटरी लगी है, और अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया है वो पूरा ब्लॉग भी, शायद आपने देखा होगा KBC फ्रॉड वाला, उसमें भी मुझे 25 लाख की लॉटरी लगी हुई थी। तो अगर इनकी इनकी मैं मानूँ तो मुझे उस दिन ही 25 लाख की लॉटरी लगी थी और मुझे आज ही 25 लाख की लॉटरी लग गई है। मतलब मैं एक हफ्ते में मैंने ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए कमा लिए हैं। अब मतलब कैन यू बिलीव कि मतलब कितना बड़ा फ्रॉड है, एक हफ्ते पहले 25 लाख की लॉटरी लगी वही 3-4 दिन पहले, और आज फिर 25 लाख की लॉटरी लग गई। क्या मैसेज आया है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, सुनिए। और हंसी आती है मुझे, शायद आपको भी आए, सुनिए पूरा मैसेज दोस्तों। और एक ये फिर आज अननोन नंबर से एक और फिर मैसेज आया है, वही फ्रॉड 25 लाख की लॉटरी, देखिए। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर नमस्कार में बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर हो चुका है, इसकी पूरी जानकारी के। हेलो नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा बात कर रही हूँ कौन बनेगा करोड़पति डिपार्टमेंट से। ऑल इंडिया ऑल सिम कार्ड पर व्हाट्सएप लॉटरी करवाया गया था जिसमें आपका भी व्हाट्सएप नंबर सिलेक्ट हुआ है। आपके व्हाट्सएप नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है, आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों ये आपने सुना होगा कि कैसे ही कहते हैं व्हाट्सएप से कॉल करो और 25 लाख की लॉटरी लग गई, आपका पैसा ट्रांसफर हो गया है, ये है वो है, इतनी बड़ी बकवास ये बताते हैं। और इस हिसाब से मतलब मैंने मतलब लखपति क्या करोड़पति बनने वाला हूँ कुछ ही दिनों में, 50 लाख तो मिल ही गए मुझे इनके अकॉर्डिंग, 25 ये बता रही है 25 और एक दे रहा था, अगर मैं फ़ोन करके ले लूँ तो मुझे तो 50 लाख मिल गए, तो बन गया करोड़पति। अब यूट्यूब छोड़ दो, ऐसे ही पैसा ले लो भाई लॉटरी लगा के। क्या फ्रॉड है भाई, क्या फ्रॉड है। और इन्हें शर्म भी नहीं आती यार, लोग इतना पढ़े लिखे समझदार है और अब सब जान चुके हैं इस फ्रॉड के बारे में, कोई मैसेज नहीं करता, बट ये भेजे जाएंगे शायद कोई ना कोई फंस जाए इनके चक्कर में, और ऐसे 100 लोगों को भेजते हैं बेचारा, कोई ना कोई एक वो बेचारा एक फंसता होगा जो इनको पैसे दे देता होगा। तो सावधान रहिए और सतर्क रहिए दोस्तों ऐसे मैसेजों से। तो बस दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल के अपने एक नए ब्लॉग में, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे मेरे आगे वाले सारे वीडियोज आप तक मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों कल के अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।